हेलो एवरीवन, कुक एंड ब्लॉग बिसिंदा में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बनाई है बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी बैगन की ये रेसिपी, जिसे चावल या रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसके लिए मैंने इस तरह का बिल्कुल फ्रेश बैगन लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर हाफ हाफ इंच पे गोल गोल सा काट लेंगे। बैगन आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा बैगन है तो इस तरह से गोल काट कर बीच से एक और कट लगा लीजिएगा, तो फ्राई करने में आपको आसानी होगी। आगे और पीछे का जो पोर्शन है उसे हटा देंगे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, आप कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने कश्मीरी डाला है, और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसको हम दोनों साइड अच्छी तरह से, ये देखिए, इस तरह से लगा लेंगे। ये जो बैगन फ्राई है ना, बहुत ही जल्दी बनती है और इसे हमें लगाते हुए रखना नहीं है, इंस्टेंट है, फटाफट से ये रेडी हो जाती है और तुरंत फ्राई करना है। और इसे बनाने में हमें 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। और गैस पे मैंने ऑयल को बिठा दिया है क्योंकि ये फटाफट से लगाते हुए हमें फ्राई करना है, बहुत देर तक रखना नहीं है। ये एक एक में अच्छी तरह से हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए सभी में लग गए हैं, ये देखिए सभी में लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम चावल का आटा कोट करेंगे, या आप नॉर्मल गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़केंगे। क्या होगा, ये जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चावल का आटा लगाया है मैंने, आप यहाँ गेहूं का आटा या मैदा, बस सभी में थोड़ा थोड़ा करके लगा लेना है। इससे क्या होगा, जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी भी बनेगी और टूटेगी भी नहीं। इसी तरह से सभी को लगा लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल से ले सकते हैं, बहुत कम ऑयल के साथ ये फ्राई हो जाती है। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं कम से कम ऑयल के साथ फ्राई करूंगी। अच्छी तरह से हो गई है, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ही डाला है। और अब हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए लगा लिया है, तो अब एक एक करके हम इसे इसको फ्राई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है और बहुत जल्दी दोस्तों ये रेडी हो जाती है। अगर फटाफट से कुछ सब्जी बनाना है, खाना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छी तरह से एक साइड होने के बाद हमें टर्न करना है, अब हम इसको फ्लिप करेंगे। इस तरह से क्रिस्पी भी बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये इतनी अच्छी बनती है, इस तरह से आप बनाएं, दाल चावल रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये देखो दोनों साइड अच्छी तरह से हो गए हैं, कम से कम ऑयल के साथ भी हो गए हैं ये। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। जब भी आपको इंस्टेंट कुछ बनाने का दिल करे, जैसे सब्जी बनाने का दिल नहीं कर रहा है, तो इस तरह से बनाकर आप खा सकते हैं, रोटी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। कम से कम ऑयल के साथ मैंने आपको बनाकर दिखाया है और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी क्रिस्पी लग रही है, खाने में तो टेस्टी है ही। तो आप इसे कभी भी बनाकर खाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से बताइएगा ये बैगन की भाजी आपको कैसी लगी। हमारे यहाँ इसे बैगन भाजा बोलते हैं और हमारे हर रेसिपी में एक आइटम ये ज़रूर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये बैगन भाजा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। फटाफट से बनाइए, बहुत इंस्टेंट है, बहुत टेस्टी है। मेरी बनाई गई रेसिपी अगर आपको सचमुच पसंद आती है
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।